शनिवार सुबह एनसीपी नेता शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इस पर एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी और एनसीपी नदी के दो छोर हैं, जब तक नदी में पानी है ये दोनों साथ नहीं आ सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये हर महीने सरकार की ओर से मिलेगा। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा के शुक्रवार को जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखने के मामले में पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। सीआईडी की टीम एक बार फिर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची और लोगों से गार्ड की मौत के बारे में पूछताछ की। सीआईडी की टीम का यह दौरा 3 दिन में दूसरी बार है। दरअसल मामला है कि 3 साल पहले शुभेंदु अधिकारी के निजी गार्ड की मौत हो गई थी। देश में कोरोना के कम होते मामलों और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 19, 20 और 21 जुलाई से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलेंगी। बता दें कि इनमें अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस सभी प्रकार की ट्रेनें शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 6 से 7 दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की ताज़ा चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश मौसम कार्यालय ने शनिवार को मैदानी निचली पहाड़ियों और मध्य पहाड़ियों में भारी बारिश आंधी और बिजली गिरने के लिए राज्य को पीली चेतावनी जारी की है, यानी येलो अलर्ट। आगरा में शनिवार को दिन दहाड़े हुई घटना ने शहर भर में सनसनी फैला कर रख दी है। ये लूट मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में हुई है, जहां पर 4 बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 17 किलो सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो रही है। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति PC जोशी ने दी है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्ला अली खिल की बेटी को अगवा करने के बाद रिहा कर दिया गया। अफगान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तान मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी कि अगवा करने के बाद राजदूत की बेटी को रिहा कर दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दी है। ब्रिटेन में जनवरी के बाद से पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं खतरनाक वायरस से बीते 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।